से सुनो, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी पुस्तक एवं लेखक। एक किताब हमारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का हो, एसएससी का हो, एक किताब आपको इनमें से देखने को मिलेगी, तो आपको रटने से याद नहीं होगी। मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, कॉपी सारे बंद कर दो, सबने लिख लिया, कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर एक लेखक है जिसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद। वो मुंशी जो किसी चीज का, समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पे पहली किताब है गोदान, गबन, कफन, कर्म भूमि और रंग भूमि। ये पांचों जो किताबें हैं वो किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। लेकिन हम रटे तो याद नहीं होगी, तो थोड़ी देर में लेते हैं। जो ये गोदान लिखा हुआ है इसको हम मान लेते हैं गोदान। क्या मान ले? गोदान। गोडाउन इंग्लिश में गोडाउन, हिंदी में गोदाम, समझ गए? तो गोदाम में एक मुंशी होता है, बोलो होता है कि नहीं? हिसाब किताब कौन रखता है? मुंशी रखता है। अब मुंशी खुद ही गबन कर दे यानी घपला कर दे तो मामला गड़बड़ है। तो उसके सुपीरियर अधिकारी ने कहा उसको, भाई तुमने घपला क्यों कर दिया? तो गुस्से में आके उसने क्या बांध दिया? कफन। और उसने बोला मैं तो करूंगा, मेरी कर्म भूमि भी यही है और रंग भूमि भी, मतलब रंग भी यही लूंगा और कर्म भी यही लूंगा। तो कर्म भूमि किताब किसकी है? रंग भूमि, गोदान, कफन, गबन, ये पांचों किताबें। मेरे साथ एक बार रिपीट करना, एक क्या था? गोदान। मुंशी जी ने क्या किया उसमें? गबन। गुस्सा हुआ तो क्या किया? कफन। क्या बोले कि मेरी कर्म भूमि भी यही है और मेरी रंग भूमि भी। तो ये पांचों की पांचों किताबें मुंशी प्रेमचंद। अब यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं कोई ऐसा शब्द बोल दूं जो कि थोड़ा अजीब हो, बट वो याद करने तक है, उसको वास्तविक लाइफ से नहीं जोड़ना है। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम क्या है? जूली। इशारों में समझना, लड़की का नाम क्या है? जूली। अच्छा, और जो विलियम है वो इस चीज का बड़ा शौकीन है, समझ गए? आवाज नहीं आनी चाहिए, तो इस चीज का शौकीन है। तो उसने बोला हेलमेट लगा लो, नहीं तो मेक यानी बन जाएगा, समझ गए? इशारा इशारा में समझ जाएगा। लड़की का नाम क्या था? जूली। दोस्त कौन था? किस चीज का शौकीन था? ओए कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं है, इशारे इशारे याद रहेगा, बोलना है। क्या बोले? मैंने कुछ नहीं बोला, समझ गए? तो ये तीनों किताबें जूलियस सीजर, हैमलेट और मैकबेथ, तीनों किसकी है? विलियम शेक्सपियर की। याद रहेगा? ओके। भारत का विलियम शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को। अब यहाँ पे एक लेखक है जिसका नाम है खुशवंत सिंह। तो जो नाम ही खुशवंत सिंह है तो दुखी होगा क्या? दुखी होगा। ओके। तो एक बार की बात है, एक ट्रेन दिल्ली से कहाँ जा रही थी? पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, और उसमें कौन जा रही थी? इंदिरा गई और वो रिटर्न हो गई। रिटर्न कहां के लिए हुई? दिल्ली के लिए। और वहां पे उसे कंपनी ऑफ वुमेन, कंपनी का मतलब होता है साथ देना किसी का, तो महिला को किसी का साथ मिला, मतलब इंदिरा को साथ मिला, सिंपल सा समझिए, है ना? दिल्ली में कौन रहती थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। गई कहां? पाकिस्तान। किससे? ट्रेन से। और कंपनी ऑफ वुमेन, उसको वहां पे औरतों का साथ मिला और वहां से वो रिटर्न होगी, इंदिरा गांधी रिटर्न यानी वापस दिल्ली हो गई, ठीक है। और ये सारी किताबें किसकी है? खुशवंत सिंह। बोलो याद रहेगा। आगे एक शब्द है विंग्स ऑफ फायर। देखिए विंग्स मींस होता है पंख, क्या होता है? पंख। और इंडिया 2020, यहां पे डॉक्टर कलाम साहब का एक सपना था कि विजन 2020 या इंडिया 2020, भारत 2020 तक विकसित देश बन जाए, डेवलप्ड कंट्री बन जाए, पर दुर्भाग्यवश उनका देहांत हो गया पहले। तो यहां पे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड, इग्नाइटेड मींस होता है तीव्र दिमाग।